बोरोसिल ग्लास वर्क्स अपने डाउन लेवल से 450% ऊपर है, और मैंने जब इसका लास्ट वीडियो बनाया था रैली, उसके बाद ही शुरू हुई है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं मेरा पुराना वीडियो। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है बोरोसिल ग्लास वर्क्स। उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे किस तरीके का है, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये अपने लो से अराउंड 400% प्लस का रिटर्न दे चुका है। और देखिए, इतना शार्प जब रिटर्न देता है तो यहाँ पे आपको, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा, अदरवाइज आप अगर इसका शॉर्ट टर्म चार्ट देखेंगे तो जब इतना लंबा और इतना तगड़ा रैली आता है तो करेक्शंस भी उसी तरीके के आते हैं। सो इसमें शार्प करेक्शंस, बहुत शार्प करेक्शंस आ सकते हैं। सो आपको उस चीज़ के लिए भी तैयार होना चाहिए। नंबर टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि मैं आज क्या हुआ कल क्या हुआ उस चीज़ की बात नहीं करता हूँ, जनरली लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलो करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जो है हमको क्लियर कट पता रहती है, ठीक है, किस तरीके का है। हम अगर इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो ये उस लिहाज से एक सिग्निफिकेंट चेंज है, क्योंकि अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल से ये अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है, और फिलहाल ये हो सकता है एक करेक्शन में भी जाए। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे देखिए, मतलब 2 महीने में 400-500% का रिटर्न मिल जाए, सो उसके बाद भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप और 5,000% का रिटर्न मिले, तो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये फिर वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से ज़्यादा, इवन ट्रेडिंग भी नहीं होता है, इन्वेस्टिंग तो दूर से दूर की बात छोड़िए, ट्रेडिंग भी नहीं होता है, वो गैम्बलिंग में चले जाता है कि वहाँ पे अंधाधुंध फिर लोग अननेसेसरी तरीके से खरीद रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होता नहीं है, स्टॉक मार्केट में प्राइस मूवमेंट की, शार्प प्राइस मूवमेंट अप या डाउन दोनों तरफ पॉसिबल है। जब स्टॉक 1 महीने में 90% गिर सकता है तो उठ क्यों नहीं सकता। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके दो तरीके या दो जो है मतलब हो सकते हैं। पहला ये, स्टॉक बहुत जल्दी अगले 5-10 साल का जो अर्निंग्स है, अगले 5-10 साल का जो अप मूव है, वो 1 साल में ही ख़त्म करना चाहता है। और दूसरा जो मतलब है वो ये है कि वहाँ पे लोग फिर अननेसेसरी मतलब खाली अप मूव पे पैसा लगा रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें शेयर को बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाते हैं और उसी तरीके से नीचे भी आते हैं। नाउ यहाँ पे आप देखिए, आपका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो आता है आपका 69 पे। सो जिस तरीके का शार्प अप मूव आया है उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका सपोर्ट लेवल से स्ट्रेच हो गया, तो यहाँ 69 पे आता है, और उसके नीचे जो रेंज आता है सपोर्ट का वो आता है 29 से 34 के बीच में। सो ये अभी फ़िलहाल एक टॉल आस्क है, ठीक है, कि यहाँ तक कब जाता है कब नहीं जाता है, लेकिन ये एक शार्प, यहाँ पे देखिए आप, बहुत ही शार्प अप मूव आया है, और जैसे कि मैं बोला यहाँ पे करेक्शंस भी पॉसिबल है, राइट। लेकिन डे टू डे मैं जनरली नहीं देखता, और डे टू डे कैश मार्केट में शेयर्स में जिस तरीके से राइज होता है उसी तरीके से फॉल होता है यहाँ पे। और अभी जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, अगर ये 69 के ऊपर टिक गया, इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसका रेंज होगा आपका यहाँ पे लीजिए 500 से लेके 1100 के बीच में। सो 500 to 1100, और अगर उसके भी ऊपर चले गए यहाँ तक तो रेंज होगा आपका यहाँ पे देखिए आप 1600 to 3500, 1600 to 3500। अब मैं ये लेवल्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्यों और किस लिए बोला, क्योंकि देखिए अब प्राइस इतना शार्प मूव किया है, हो सकता है यहाँ पर फिर टकराए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से रिबाउंड करे, ये हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि धीरे 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 करके ऐसे करके जाए, तो उस केस में ये आपका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस हो जाएगा, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा इस रेंज के अंदर, ठीक है। वो फिर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती कि ऊपर जाएगा, सो फिर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ तक इस तरीके से अगर गया तो नीचे आएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। नंबर दो कि ये शेयर इसको बहुत तेज़ी से पार कर रहा है और यहाँ तक पहुँच रहा है, उस केस में यहाँ 1600 से लेके 3500 तक, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये 69, ये जो आपका सपोर्ट है उसके ऊपर होल्ड करे, उससे नीचे
नहीं जाना चाहिए। ये तो हो गया आपका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेली चार्ट में बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी फ्लक्चुएशंस और वॉलेटिलिटी आ सकता है। इतना शार्प प्राइस जो है, इतना शार्प प्राइस इस चार्ट के हिस्ट्री में नहीं है, ठीक है। जो ये एक बार में दिया है कि आप देखिए इसका लो जो है वो 30 रुपये से लेके सीधा 150 रुपये, 140 रुपये का, तो ये बहुत बड़ा जंप है। नाउ अगर हम देखेंगे इसको, इसके नंबर्स के बारे में, देखिए बोरोसिल ग्लास वर्क्स, अभी ये बोरोसिल रिन्यूएबल्स के नाम से भी सेम कंपनी है। आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन और यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। डेट टू इक्विटी कम है, लेकिन ये एकदम रीजनेबल है। ये आप बोलेंगे ये बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन जिस तरीके का राइज हुआ है उसके चक्कर में आप इसका स्टॉक भी देखिए 50 तक पहुंच गया है। सो ये हाईली ओवर वैल्यूड है शॉर्ट टर्म में। अब ये कब, अब ये ओवर वैल्यूड ही रहता है कि जो मार्केट को कुछ दिख रहा है कि आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ भी 17% का है ऑन एन एवरेज लास्ट तीन ईयर का। तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, या तो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करे, या तो फिर अगर ग्रोथ दिखता है तो ये पी भी बढ़ता रहे, तो दोनों केस हो सकते हैं। तो उन दोनों केस में मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और अगर आप इसका आरओसी देखेंगे, सो अब अगर पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2010 से -3% से यहाँ पे 9 गया, और उसके बाद अगर यहाँ से देखते हैं आप 2013 से, तो 3% से 9% तक आया है। तो ये थोड़ी अच्छी बात है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फ्लक्चुएट होते रहता है। तो जनरली जिस कंपनीज में ऐसा देखा गया फ्लक्चुएट होते रहता है, उसके नंबर भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं, आप ये ध्यान रखिए। प्लस यहाँ पे और तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है, 74% से 70% किया है। अब ये वरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाई था। तो 74% से 70% किया तो कोई ज़्यादा बड़े खतरे का अलार्म नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये 20-25% कम कर देते तो दूसरी बात है, लेकिन 74 से 70% उतना बड़ा नहीं है। बट यस, जिस तरीके से प्राइस राइज हुआ है शॉर्ट टर्म में, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है। सो उसके दो कंडीशंस हो सकते हैं, मैंने कि जैसे बताया, या तो वो प्राइस बढ़ता रहे, या दूसरा जो कंसोलिडेटेड हो। लेकिन देखते हैं अभी शॉर्ट टर्म में कैसा रहता है, लेकिन आपको अपना जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको देख के चलेंगे तो जो पिक्चर रहेगा वो क्लियर रहेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।